अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? तुम नहीं आई, हम तो तुम्हारी राह देखते रह गए। जी, वो अम्मी के साथ मैच देखने का प्लान था। तो उन्हें भी ले आती। अच्छा चलो, फाइनल मैच में जरूर ले आना। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा आंटी, मैं कब से रिजवान को फोन कर रही हूँ, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। कहाँ है वो? रिजवान यही है, अपने दोस्तों के साथ मैच एंजॉय कर रहा है। अच्छा आंटी, मैच कंप्लीट हो जाए ना तो उसे कहिएगा एक बार घर पे कॉल कर दे। अच्छा बेटा, मैं इसके कान खींचती हूँ। बस उस पे नजर रखिएगा। वैसे आंटी, आप मैच नहीं देख रहे? अरे बेटा, हम घर की खवातीन तो अपने बच्चों और मर्दों की खुशी में ही खुश हैं। अल्लाह करे पिछली बार की तरह आज भी मैच जीत जाए तो हमारे बनाए हुए खानों का मजा दुबाला हो जाएगा। बस आंटी, मेरी भी यही दुआ है कि इतने मुश्किल हालात में अल्लाह पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर दे। हाँ, अच्छा बेटा, ब्रेक हो गई है। मैं तुम्हारा मैसेज रिजवान को दे दूंगी। जी। और हाँ, मम्मा के साथ फाइनल में जरूर आना हमारे घर, तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। अरे आंटी, पहले ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होने दें, ये भी देख लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिजवान मैच देख रहा है, घर आ जाएगा मैच के बाद। सब एक साथ देख रहे हैं मैच। और चाहिए? अबे यार, अगर 10 रन बना लेते तो कितना अच्छा होता। अब हमें अर्ली विकेट्स लेनी पड़ेंगी। ओ भाई, ऐसा भी नहीं है, इतना भी नीचे ना गिराओ अपनी टीम को, टॉप T20 प्लेयर्स हैं हम लोग। वैसे बात तो सही है, अगर अर्ली विकेट्स लग गई तो फिर वील विल इंशाल्लाह। अगर ज़हनी तौर पे पहले ही हार गए तो जीतेंगे कैसे? होपलेस ही हो ना कभी। हां, इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह। श्योर। कोच, फ्रंट फुट पे। वेरी फनी। या मॉम, मैं यूसुफ के साथ ही हूँ। तो कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अरे भाई यूसुफ, कैसा लगा तुम्हें? अम्मी, आपके जहन में ये बात क्यों चल रही है? इंडिया पाकिस्तान के मैच में पूरी दुनिया पागल हो रही है, आप ये बात पूछ रही है मुझसे? भाई तुम खुद ही तो कहते थे किसी देसी लड़की से शादी नहीं करनी, उसका लाइफस्टाइल मेरे साथ मैच नहीं करेगा। हाँ तो मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा था। अब आप खुद बताएं कि मैं सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ, वहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे अगर कोई लड़की वेस्टर्न कपड़े पहन के बाहर जाती है तो लोग उसको इतनी बुरी तरह घूरते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेती है। बेटा ये सिर्फ तुम्हारा ना ज़हनी फुतूर है और कुछ भी नहीं। ऐसा ही है मॉम, यहाँ पे कभी फुप्पो का मुँह देखो या खालू को मनाते रहो, सारी जिंदगी यही करते गुजर जाती है। इसीलिए तो सबको तुम्हारी मर्जी पे छोड़ रखा है। And you remember, they are our old neighbors. वो हमारे पुराने पड़ोसी हैं। और तुम्हारी दादी और यूसुफ की दादी दुपट्टा बदल पहने हैं। अगर तुम दोनों की रजामंदी हो तो मैं उसकी अम्मी से बात करूं। और रस्म पाकिस्तान में आके कर लेंगे। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के हक में फैसला करते हो तो। मॉम, मुझे तो नूर पसंद है। She's a sweet girl, really nice. I think I like Yousuf. अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि हम लोग साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। So what are you waiting for? I'm not sure कि यूसुफ को मैं पसंद आई हूँ या नहीं। Go and ask her. Go and ask him. जाके पता करो उससे, या फिर मैं नूर की अम्मी से बात करके उसकी रजामंदी मालूम करूँ। प्लीज मॉम, कुछ अजीब हरकत मत कीजिएगा। ठीक है। Come on, Ami, I'll speak to her myself. Don't be pushy. I think I should talk to him. Relax. Please. पहले मैं बात करूंगी। ओके ओके, बाय मॉम। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की दूसरी इनिंग होने वाली है। बाय। लव यू मॉम। बाय। लव यू टू। अम्मी का फोन। मिशन पाकिस्तान के बारे में पूछ रही थी। तो क्या जवाब दिया? मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही है जो अभी तक हमें जोड़े हुए है। मेरी अम्मी तो लंबी इनिंग्स की बात करेंगी। अगर पार्टनर आपका अच्छा हो तो लंबी इनिंग्स खेली जा सकती है। तो
दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे पे ट्रस्ट होना भी जरूरी है। कभी कभी मुश्किल शॉट भी खेलनी पड़ती है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो एक ही कॉल पे दोनों रन्स के लिए भाग जाते हैं बगैर ये सोचे कि अंजाम क्या होगा। हाँ, अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट हो तो ये भी मालूम होता है कि दूसरा पार्टनर कभी भी गलत कॉल नहीं देगा। और अगर ट्रस्ट टूट जाए तो साथ निभाना मुश्किल हो जाता है। और अगर पार्टनर आउट हो जाए तो फिर दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो मैच जीतेगा। तो फिर मेरे साथ लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हो? कितनी ज्यादती है, कहीं पे इतना खाना है कि कचरे की नजर हो रहा है और कहीं पे लोग कचरे से निकाल कर खाना खा रहे हैं। इन बच्चों की हालत देखो, दिस इज अनबिलीवेबल। यार इनकी हेल्प कर देता हूँ। बात सुनो बच्चों, ये लो, ये रख लो बेटा। सर हम मांगने वाला नहीं है। मैंने कब कहा तुम मांगने वाले हो? रख लो, कुछ खा लेना। लो रख लो यार, एक मिनट दो, आता हूं मैं। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाजी हम तो काम से निकले थे, यहाँ मैच देखा तो हामिद ने रोक लिया कि मैच देखते हैं। मैंने तो इसे बूट मना किया, ये मुझे यहाँ खींच के लेके आया। तो तुम लोगों को क्रिकेट पसंद है? बाजी ये क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा। खेलते भी हो या सिर्फ शौकी है? बाजी ये बहुत अच्छा बैटिंग करता है। और तुम बैटिंग नहीं करते? बाजी मैं तो पास बॉलर हूँ, मैं बॉलिंग करता हूँ, ये बैटिंग करता है। ये लो, ये खाओ। ले लो, तुम्हारे लिए खाओ। तुम्हें पता है यूसुफ, वो बैटिंग करता है बहुत अच्छी और ये फास्ट बॉलर है। Really? हाँ। अरे बाप, फिर तो बैट्समैन और फास्ट बॉलर का नाम भी पूछना पड़ेगा। मैं हामिद, ये जरदान। हामिद, हामिद तो अफगानिस्तान का बड़ा फेमस प्लेयर है, फास्ट बॉलर है। और जरदान भी उनकी टीम में है, 26 को मैच है अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। यार कितनी इन्फॉर्मेशन है इसको। तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो? सर अफगानिस्तान हमारा मुल्क तो है, लेकिन हम तो इधर पैदा हुआ है। फिर तो तुम पाकिस्तानी हुए। हाँ बाजी, पाकिस्तान हमारा दूसरा मुल्क है, लेकिन जब अफगानिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे ना, हम अफगानिस्तान वापस चले जाएंगे। तो तुम लोग यहाँ क्या करते हो? बाजी हम लोग कचरा उठाते हैं, जब आप लोग इधर से चले जाओगे ना, हम इधर से सारा कचरा उठाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या करोगे? मैं बोतलें और टिन उठाऊंगा और ये गत्ते का चीजें उठाएगा। और फिर उठाने के बाद क्या करोगे? बस बाजी ये सब उठा के हम अपने लाला के पास लेकर जाएंगे, फिर वो हमें खाना देगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों, तुम लोगों के माँ बाप कहाँ होते हैं? वो भी यही काम करते हैं क्या? सर उनका तो हमको नहीं पता कि वो लोग किधर हैं, लेकिन हमारे लाला ने हमको बताया कि वो लोग अफगानिस्तान में है और वो हमको अफगानिस्तान लेकर जाएगा। तो तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ के हो, यहाँ पैदा हुए थे। हाँ बाजी, हमको भी लाला ने ऐसे ही बताया, बाकी हमको नहीं मालूम। अब अच्छा, तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिलते हैं, क्या तनख्वाह है? बाजी लाला हमको सुबह और रात का खाना देता है और वो कहता है कि हमारा तनख्वाह वो अपने पास जमा कर रहा है, जब अफगानिस्तान का हालात बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना, वो हमको उस तनख्वाह के साथ अपने माँ बाप के पास भेज देगा।
I think I should do them a favor. सुनो, ये 2000 तुम्हारा, पकड़ो ना, बताता हूँ, और ये 2000 तुम्हारे, कल तुम दोनों मैच खेलने आओगे, ठीक है? सर, ये पैसा किस लिए? इसलिए कि तुम लोग नए जूते लोगे, साफ सुथरे कपड़े लोगे, और फिर हमारे साथ मैच खेलोगे, और ये समझना कि ये पैसे तुम्हें लाला ने दिए, राइट? लाला, लाला तुम बड़े भाई को बोलते हैं। हाँ तो ठीक है ना, आज से यूसुफ तुम लोगों के लाला और मैं तुम लोगों की बाजी, और अब बाजी से किया हुआ वादा तोड़ोगे नहीं, कल सुबह यहाँ पे आओगे। पक्का? हाँ ठीक है बाजी, आज से आप हमारा बाजी और आप हमारे लाला, आप परेशान ना हो, हम आपको कल यही मिलेंगे। Well tried. Nawaz, what have you got, Nawaz? Ashwin goes over, clears the infield. India win a famous win. You look at all the great players, and I think you'll find very, very few to compare with this one. And I thought India se to nahi haarte. Ek out nahi kar sake. Yaar, matlab hum इंडिया से तो जीत जाते, डीपी हाइप करके ही छोड़े। चुक्का खा लिया, हद हो गई है। रहने दे यार। चलो जी, डन हो गया। They seem to be very talented, हाँ। लगता है पाकिस्तान मैच हार गए। अरे यार, जब कल पैसे लगाए हुए थे तो आज मुझसे 50,000 रुपए क्यों लगवाए? कल के 80,000 तो गए, आज के 50,000 रुपए और गए, और इस हिसाब से हमें 70,000 रुपए और देने होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 2,00,000 रुपए। अबे 2,00,000 में से 80,000 रुपए तो राशिद भाई के पास पहले से हैं। सिर्फ 1,20,000 का इंतजाम करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे 1,20,000? रुक जरा यार, सोचने दे। अरे नंबर तो मेरा है ना राशिद भाई के पास, पैसे तो मुझे देने होंगे। हेलो, तेली सुबह बंदा तेरे घर आ जाएगा, 1,20,000 उसे दे देना। अरे नहीं राजन भाई, घर पे नहीं भेजिएगा, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा। और वैसे भी मैं घर पे नहीं हूँ, दोस्तों के साथ शहर से बाहर आया हूँ। देख सियाणे, अगर 2 दिन में तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे बाप की दुकान से हम खुद ले लेंगे। अरे राशिद भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो यार, आपके साथ पहली दफा थोड़ी काम कर रहे हैं। वैसे भी 80,000 आपकी तरफ है हमारे। चल लड़े, 80,000। मरवा दिया। दादो, ये सब मिले हुए हैं। नवाज की बॉल 9 बॉल नहीं थी, इन इंडियंस ने तीनों एम्पायर्स खरीदे हुए हैं। बेटा देखो, खेल तो खेल है, हार जीत तो होती है ना, और अंपायर भी एक इंसान है, उससे भी तो गलती हो सकती है। दादो आप नहीं जानते इन इंडियंस को, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो इस बॉल का क्या जो विकेट पर लगी और इंडिया को रन्स मिल गए। दादो ये सब बिके हुए हैं, इन बिग थ्री ने मिलकर हमें हराया है, वरना तो ये कभी हमें हरा भी नहीं सकते थे। देखो बेटा मेरी बात सुनो, अपने फायदे के लिए तो भाई भाई को भी कत्ल कर देता है, ये तो फिर एक मैच था। अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में आयत नंबर 51 में ये कहा है कि ए ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को कभी अपना दोस्त ना समझो, और ये लोग आपस में मिले हुए हैं, अगर तुम में से कोई इनको अपना दोस्त बनाता है तो उनमें ही शामिल हो जाएगा, और यकीनन अल्लाह ताला जालिमों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। इसका मतलब तो ये हुआ ये लोग सब मिल गए हैं और हमें वर्ल्ड कप से अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दादो अब हमें अपने सारे मैचेस जीतने होंगे, एक भी मैच हारे तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे,
और सारा इल्जाम नवाज पर आ जाएगा। दादा अब अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें उनकी साजिशों से बचाए। यार ये क्या बेहरमती है, हम मुल्क से बाहर रहकर भी इस सब हिलाली परचम से कितनी मोहब्बत करते हैं और यहाँ के लोगों को देखें। बिल्कुल सही कहा तुमने, और इनको देखो क्या फ्यूचर है इनका, ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना, क्या बनेगा। दिस मेक्स मी सो सैड यार, ऑनेस्टली दिल टूटता है। मेरे बेटे सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है, किस तरीके से भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, और ये सारा वाकया उससे हमें सबक मिलता है कि जिस तरीके से उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और उनका कमीज उठाकर अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लेके चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, मतलब हजरत याकूब से, कि यूसुफ मर गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि यूसुफ जिंदा है और ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तक के रोते रोते उनकी बिनाई चली गई। और फिर जब बाद में उनके बेटों ने कहा कि आपने तो यूसुफ के गम को दिल से लगा लिया है और आप उसके गम में घुलते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप हलाक हो जाएं, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम सिर्फ अल्लाह को बताता हूँ, उसके सिवा किसी को नहीं बताता, ये मुझे दो। और मैं जितना अल्लाह को जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते, इसलिए जाओ बच्चों, जाके यूसुफ की टोर लगाओ, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें जरूर उसका पता मिल जाएगा। दादो मैं भी हजरत याकूब की तरह अल्लाह ताला से दुआ करूंगा और कभी भी मायूस नहीं होऊंगा, बेशक अल्लाह ताला हमें इनकी साजिशों से बचाएगा और हमारी इज्जत रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मगर एक बात याद रखना, अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और अगर ये लोग ईमानदारी और मेहनत से खेलेंगे तो अल्लाह जरूर इनको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जर्रा काम में आएगा हर वक्त सुनहरा आएगा, जब सबसे की रंगत से बना परजम अपना लहराएगा। हाय दिस इज नूर, मेरी एमडी साहब से मीटिंग थी 3 बजे। मैडम आप कहाँ से आई हैं? ऑस्ट्रेलिया। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं मैडम, मेरा मतलब है कि आप किसी कंपनी से आई हैं, क्योंकि गेस्ट बुक में नाम नोट करना होता है। ओह, टीलिंग यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके आप जा सकती हैं। थैंक यू जी। तो सारे बॉयज आ गए? नहीं सर, शुहेब नहीं आया। कहाँ है शुहेब? सर आज स्कूल से लेट आया था, मेरी उससे बात हुई थी, कह रहा था कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके नो इशू। अच्छा मुझे आज तुम लोगों से 2 जरूरी बातें करनी है। सर क्या हमसे कोई गलती हुई है? गलती तो शायद हम लोग रोज करते हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं कि वो गलती है, वो हमारी जिंदगी का मामूल बन गया है। So we repeat it again and again and don't even realize कि वो एक गलती है। Assalamualaikum. Waalaikumassalam. Noor sahiba, sorry to have kept you waiting. Aapko intezar ke zahmat uthana padi. Main maazrat khaun. It's okay sir. Jab se Pakistan aayi hu is tarah hona to mamool ho gaya hai. Pakistaniyon se kafi naraaz lag rahi hain. Nahi nahi. But if you don't mind, sorry is the most common word that I heard here and no one is meant it. And you know what the best part is? That we keep on repeating it and that also with quarter confidence.
सॉरी सर, मैं क्लास के लिए लेट हो गया। इट्स ओके बड़ी, मुझे उन्होंने बता दिया था कि तुम देर से आओगे। थैंक यू सर। अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली श्वेब तुम्हें पॉइंट आउट नहीं करती, ये बात आप सब लोगों के लिए है। हम लोगों का एटीट्यूड कुछ अजीब हो चुका है। सॉरी तो कह देते हैं लेकिन उसी गलती को दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा सॉरी कहते हैं फिर निकल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये मिनहसल कौम हमारी कमजोरी है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम गलती कर बैठे। एंड बिलीव यू मी, जब तक हम में गलत और सही में फर्क करने की सलाहियत ना होगी तब तक हम ये सॉरी का इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, आपने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर ये लिखा हुआ देखा होगा कि सफाई निसफ़ ईमान है। बट डू यू नो कि हमारी अक्सरियत ये बात जानती ही नहीं कि ये पाक माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। और एन उसी तहरीर के नीचे सबसे ज्यादा कचरा पड़ा होता है। यही एक सवाल लेकर आज मैं आपके पास आई हूँ। आपको शायद अहमद साहब ने बताया होगा कि मैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में एक ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और जब मुझे पता चला कि कराची दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में है तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद शहर कायद जाऊंगी और इसकी वजह तलाश करूंगी, इसलिए आज आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी। मोस्ट वेलकम हियर। अच्छा तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी सर। मुझे ऐसा लगता है कल हारने के बाद एज अ टीम एज एन इंडिविजुअल हम लोग भी हार गए। सर वो कैसे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने हारने के बाद अपने इतराफ में गन मचाया, ख्याल नहीं रखा? सर मैंने, जब मैं तुम कहता हूं तो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एट यू स्पेसिफिकली, मैं सबको कह रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, आई मीन ऑल ऑफ अस। जी सर समझ गए, लेकिन सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें आसान करके बताएं हमसे क्या गलती हुई है। देखो यार, मुझे सिर्फ ये बताओ कल मैच हारने के बाद क्या हम सब ने कचरा दान में डाला था? नहीं ना, कितना गंद था हर तरफ। मुझे ये बताओ क्या हमने एक मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दिया? क्या हमारा फर्जी बनता कि हम अपने इलाके को, अपने मुल्क को, अपने शहर को साफ रखें? हम लोगों ने मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत ही नहीं दिया। क्या हम अच्छे सिटीजन हैं? कभी सोचा क्या हम अच्छे पाकिस्तानी हैं? क्या ये मुल्क हमारा घर नहीं है? क्या हमारा मोहल्ला हमारा घर नहीं होता? आपको नहीं लगता हमें अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, अपने शहर को अपना घर समझना चाहिए और अपने इतराफ का ख्याल रखना चाहिए, सफाई का खास ख्याल? क्या हर जगह कचरा फेंकना चाहिए हमें? हरगिज़ नहीं। इनफैक्ट हमने मजीद गंद मचा दिया, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Right, यही बात करना चाहता था मैं तुम लोगों से। मसला ये नहीं है कि कचरा उठाने में हमारी कोताही है, असल मसला ये है कि कचरे से हमारे इर्द-गिर्द का माहौल खराब होता है, और उससे भी बड़ा मसला ये है कि हमारे शहरियों को इस बात का एहसास ही नहीं है। कहीं चलती हुई गाड़ी से कोई थली बाहर सड़क पर फेंक दी तो कहीं पर बस की खिड़की से पान या गुटके की पीक या तो सड़क पर या किसी शहरी के साफ सुथरे कपड़े पर गिरते हुए दिखाई देगी। आप कल ही की मिसाल दें, तकरीबन 18,000 टन से ज़ायद कचरा हमारे स्टाफ ने शहर कायद से उठाया। रोज़ाना की बुनियाद पर हम 12,000 से 14,000 टन कचरा उठाते हैं, लेकिन कल मैच की वजह से 4,000 से 6,000 टन कचरा इजाफी था। तो आप क्या कहती हैं कि ये कचरा शहर से बाहर से आए लोगों ने किया होगा? नहीं ना, नेचुरली ये शहर के लोगों का ही काम है। सर लेकिन आप अपनी और अपने इदारे की कोताही सिर्फ लोगों पे तो नहीं डाल सकते। मैंने कब ये दावा किया कि हम बहुत परफेक्ट हैं? देखिए, सिंध असेंबली में बिल पास होने के बाद इस इदारे की बिना पड़ी और यह तश्कील पाया। हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक कराची शहर की आबादी दुनिया के तकरीबन 60 छोटे ममालिक की आबादी के बराबर है, और फिर बाकी पाकिस्तान से रोजगार की तलाश में आने वाले शहरियों को हम शहर में आने से रोक तो सकते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल नतीजतन दिन ब दिन शहर की आबादी में इजाफा होता जा रहा है और वसाइल हैं कम। अब आप क्या कहेंगे, आपके ख्याल में कराची के पास दुनिया के 60 छोटे ममालिक के जितने वसाइल मौजूद हैं? यू नो इट, कैसा नहीं है। और इस शहर में रहने वाले लोगों ने क्या इसे अपना वाकई घर समझा है? आई एम वेरी सॉरी टू से कि ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो तो मसाइल का बहाना बनाकर लोगों का दिल बहलाते रहे। लेकिन आज मैं आपको बहुत यकीन और नहायत वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि इस शहर में कचरे के मसाइल से निमटने के लिए इमरजेंसी नाफिस कर दी गई है,
اور ہم نے شہر کے تمام اضلاع میں صفائی کے لیے مختلف بین الاقوامی کمپنیز کو ٹھیکہ دے دیا ہے کہ وہ اپنے ریسپیکٹو ضلع کی صفائی کریں اور پھر اس کو صاف رکھیں. اینڈ بلیو می، ود دی پیسج آف ٹائم یہ نظام مضبوط تر اور مؤثر تر ہوتا چلا جائے گا. لیکن نور، آپ مجھے ایک بات بتائیں، میرا اسٹاف کسی گلی یا محلے کو صاف کرتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے، پیچھے سے لوگ دوبارہ اس میں کچرا پھینک دیتے ہیں، تو پھر کیا وہ گلی اور محلہ صاف دکھائی دے گا؟ ایسا نہیں ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ میں زور دے رہا ہوں کہ صفائی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی شعور اور مہذب ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. انہیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی پڑے گی کہ جی کچرا کون پھیلا رہا ہے. انہیں اس روش کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو سمجھانا ہوگا. سر، آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ غیر سرکاری تنظیم یا افراد کو کچرا نہ دیں، وہ اپنے انفرادی یا سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے. What did you mean by that? کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے، سرکار کا کام ہے اپنے عوام کی مدد کرنا، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو سہولیات بہم پہنچانا. ایز اپوزٹ ٹو دس، شرپسند عناصر کا کام ہے کار سرکار میں روڑے اٹکانا، جس کی وجہ سے عوام بزن ہو جاتے ہیں اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے شہر میں جگہ جگہ چھوٹے بچوں کو نوٹس کیا ہوگا، وہ کچرا اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور الارمنگلی دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ گھروں سے، دکانوں سے، مکانوں سے اور اداروں سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں سے جو بھی کچھ ری سائیکل یا ری یوز ہو سکتا ہے وہ اپنے پاس رکھ کر باقی کچرا کسی جگہ پر پھینک کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں غیر قانونی کچرا کنڈیاں بنتی ہیں اور غیر قانونی کام کرنے والے افراد مزید سرگرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے غیر قانونی جرائم کے ارتکاب میں آسانیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ڈرگس اور غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت، اور بھی غیر اخلاقی جرائم کے لیے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا مستقبل. تو ان کو کچرا نہ دینے سے نہ صرف ہم اس شہر کو صاف رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ان شر پسند عناصر کا صفایا بھی کر سکتے ہیں. آپ سب لوگ ایک چیز یاد رکھیں، کرکٹ از اے جینٹل مینز گیم اور ہمیں یہ گیم جینٹل مین کی طرح ہی کھیلنی ہوگی. اور جینٹل مین جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، خاص طور پہ صفائی کا، اپنے اطراف کا، اپنی ارد گرد کی جگہ کا. سو وی ہیو ٹو کیپ دا پلیس ویری ویری کلین. پرومس کرو مجھ سے کہ تم لوگ ایسا ہی کرو گے. پکا؟ Promise, sir. Okay. اور دوسری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ ہمیں چیلنج میچ کھیلنے کے لیے کم سے کم دو کھلاڑیوں کی ضرورت ہے. سر ہم تو 10 ہیں، دو کیوں؟ ہمیں تو ایک کی ضرورت ہے. ہرواں کھلاڑی بھی پلیئنگ ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. ان کیس کسی پلیئر کو کھیلتے کھیلتے پیاس لگ جائے، اسے جانا ہو، یا کوئی انجری ہو جائے، فور دیٹ میٹر کسی ریزن کے لیے جانا ہو، وہ جو 12th پلیئر ہے وہی جوائن کرے گا نا یار. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ہم. رائٹ سر، گاٹ اٹ. 12th مین از امپورٹنٹ اینڈ ہی از دا پارٹ آف پلیئنگ ٹیم. بالکل صحیح ہے، اسی لیے میں نے دو نئے لوگ بلائے اپنی ٹیم کے لیے، حامد اینڈ زردان. حامد ایک فاسٹ بالر ہے اور زردان بیٹسمین ہے. زبردست، ویلکم بوائز. So what are you guys waiting for? Let's practice. Chale. Ji sir, chale chale. Sir, aapka sab log meeting mein intezar kar rahe hain. Theek hai. Aap bataiye, main aata hu. Theek hai sir. Noor, meri industrial area ki association ke sath meeting hai. Mujhe wahan jana padega. Industrial area? Yes, industrial waste. Jise jahan kahin jagah milti hai apna waste phenk deta hai. انڈسٹریل ویسٹ ود آؤٹ اینی پروسیسنگ سیوریج میں چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب ہے. آج ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے اور ان کے پیاروں کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے. سر آپ اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں، اگر مجھے کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی تو آئی ڈیفینیٹلی کال یو. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انٹرویو سر. یو ویلکم. ان شاء اللہ. سی یو دین. السلام علیکم. Come on, 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 come on
चलो चलो बॉल लेकर आते। यार अजीब तमाशा लगा रखा है लोगों ने, ये कोई खेलने की जगह है? अब देखो इनकी कैद नहीं है यार, कोई शर्म होती है, हया होती है? आदमी यहाँ पे अपने घर में सुकून से भी नहीं रह सकता यार, अजीब बात है। कमाल है यार, जब देखो यहाँ पे शोर मचाने आ जाते हो तुम लोग। ओ भाई ये कोई खेलने की जगह है, जाओ जाके मैदान में खेलो यार। और सर आप तो बड़े माकूल शख्स लगते हैं, आप भी बच्चों के साथ मिल गए यार। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ जनाब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इनको किसी ग्राउंड की तरफ ले जाता हूँ, लेकिन प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे करीब में तो कोई ग्राउंड भी नहीं है। सर एक ग्राउंड है करीब में, लेकिन थोड़ा गंदा है। कहाँ है, देख लेते हैं। सर पास में ही है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा। अच्छा आओ फिर लेके चलो, आ जाओ यार। कितनी बदबू है यहाँ पे, कितनी गंदगी है यार, बहुत बदबू आ रही है। क्या हालत बनाई हुई है यहाँ की, क्या है ये सब? कोच ये ग्राउंड नहीं लग रहा, ये तो कॉलोनी की कचरा कुंडी लग रही है। अरे ये ग्राउंड ही है जिसे कॉलोनी वालों ने कचरा कुंडी बना दिया, यकीन नहीं आता तो ये देखो गूगल मैप क्या दिखा रहा है। हेलो हेलो यूसुफ, तुमने जहाँ का एड्रेस बताया था मैं उसी कॉलोनी में हूँ। तुम कहाँ? हाँ मैं सपोजिटली एक ग्राउंड में हूँ, मैं पिन लोकेशन भेजता हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे भेज दो। ओके बाय। ओके माय गॉड यार कितने अफसोस की बात है, है तो ये ग्राउंड, इस इलाके के लोगों ने इसको कचरा कुंडी बना दिया है। How ironic. इस इलाके के लोगों का काम है ये, और कौन करेगा, ये इन्हीं का गंद है ना ये। सही कहा आपने। Oh my God. Have a look. ये क्या कर दिया इन्होंने इस जगह को, कचरा कुंडी बना दिया है और क्या। सही कह रहे, ये आसपास के जो लोग हैं उन्होंने किया ये सब। अच्छा भला खेल का मैदान है उसको कचरा कुंडी बना दिया है, इन लोगों को ये नहीं पता इस वेस्ट से भी हम कितना फायदा उठा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। कचरे से बिजली? हाँ ऑफ कोर्स, पूरी दुनिया में बनती है यार। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कचरा साफ कर रहे बाजी, ताकि हम यहाँ पे खेल सके ना। अरे ऐसे थोड़ी होगा, हमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको कम्प्लेन करनी होगी ना। अगर कंप्लेन करने से कुछ हो जाता तो अभी पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होता। Exactly. नूरबाजी हम एक काम करते हैं, हम लोग किसी ट्रैक्टर वाले को बुलाते हैं और उससे ये सारा कचरा हटवाते हैं, और हम लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और मोहल्ले वालों से भी मदद मांग लेंगे। इससे क्या होगा, वो लोग यहाँ से कचरा उठाएंगे जाकर किसी और प्लेग्राउंड में फेंक देंगे, एक जगह को साफ करेंगे दूसरी को आलूदा कर देंगे। यूसुफ आज मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD से मिली। अच्छा उन्होंने नया इदारा बनाया है, काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं इस तरह का कचरा साफ करने की। That's great, yeah. क्यों ना हम उनसे हेल्प लें, वो लोग आएंगे और आके ये सब साफ कर देंगे और इस कचरे को ले जाके लैंडफिल साइट पे फेंक आएंगे। तो सही है, फिर जो पैसे इनको देने हैं उन्हीं को दे देंगे यार। अरे पैसे नहीं लगेंगे, इट्स फ्री। फ्री में? हाँ तो आओ चलो कम्प्लेन करते हैं। अरे जाने की भी जरूरत नहीं है, एक सेकेंड। हमारा कंप्लेन नंबर है 1128। अब तुम सब लोग एक काम करो,
SSWMB की ऐप है, उसको डाउनलोड करो, इसकी पिक्चर लेके उस पे अपलोड करो। ये तस्वीर अपलोड करोगे तो हमारी कंप्लेन हो जाएगी, ठीक है? करो सब। चलो शुरू हो जाओ यार फिर। वाह नूर, यू आर अ जीनियस। लेकिन हम बड़ी इंप्रेसिव बात है अगर वो ये सब कर रहे हैं। कर तो रहे हैं। इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम, इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम, इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम, इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम। चल उठ जरा, गिरना नहीं, जम के तेरा बल्ला घुमा, करता है क्या कतरा नहीं, चल चार मार, जलवा दिखा। इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम, इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम, इस मुल्क के शाहीन तुम, इस खेल के आईन तुम। छक्का तुझे घबरा नहीं, गिल्ली उड़ा, तू तेज है हल्का नहीं, चढ़ मार यार विकेट उड़ा। जज्बा तेरा सबसे जुदा, ललकार के दुश्मन को हार, डरना नहीं भिड़ जा जरा, डरना नहीं भिड़ जा जरा। जज्बा तेरा सबसे जुदा, ललकार के दुश्मन को हार, डरना नहीं भिड़ जा जरा, डरना नहीं भिड़ जा जरा।